जनचन की आवाज़ जीएनएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम मौजूद है होटल रेडिशन पुणे। अब रांची में आपको एक नया डायग्नोस सेंटर देखने को मिलेगा जहां पे तरह तरह के टेस्ट हो पाएंगे। आपको बता दें रांची में वैसे भी कई सारे डायग्नोस सेंटर है लेकिन जितने डिलीवरी सर्विस उसकी कई बार अच्छी नहीं होती, बहुत सारी कमी होती है, क्या कुछ होता है, लेकिन अब ये जब नया आए थे कॉम्पिटिशन में, ये क्या कुछ आपके लिए नया लेकर आया है और ये आपको किस तरीके सर्विस प्रोवाइड कराएंगे? सर आप हमारे साथ मौजूद है, आपका स्वागत है रांची में। ये बताइए आपका जो डायग्नोस सेंटर है वो बाकी सारे जो ऑलरेडी रांची में है, एसआरएल हो गया या फिर लाल पैथ हो गया, ये सब टॉप मोस्ट है और लोग जाते हैं, आपके पास लोग क्यों आए? जब हम रांची में पहली बार हमने लैब लॉन्च करना स्टार्ट किया तो हमारा बहुत क्लियर कट मकसद ये था कि जब हम रांची में आए तो हम मेक श्योर करें कि रांची के लोगों को का सैंपल कलकत्ता या बॉम्बे या दिल्ली ना जाए और यहीं के यहीं प्रोसेस हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने डे वन से यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग डे वन से इन हाउस रखी है, जहाँ पे आपकी कोविड की टेस्टिंग भी इन हाउस होगी, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग भी इन हाउस होगी। इसके अलावा जो तीन चार बड़ी बड़ी खासियतें जो हमने बिल्ड की है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे हम आपको स्मार्ट रिपोर्ट देते हैं, जहाँ पे आपको हम ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं जिससे आपको ये पता चला एज अ पेशेंट एंड एज अ डॉक्टर कि आपको जो दवा मिल रही है उसका आपको कितना बेनिफिट मिला है और उसका आपको एक लास्ट छः महीने का ट्रेंड ग्राफिकल रिपोर्ट मिलेगा कि आप ये दवा खा रहे हैं तो इससे आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, और डॉक्टर्स को हेल्प करेगा जानने में कि मुझे ये दवा चेंज करनी है कंटिन्यू करनी है। प्लस इंडिया मैच रेट में 1,00,000 से ज़्यादा लैब्स हैं, उसमें से सिर्फ 3,000 लैब्स ऐसी हैं जो एनएबल एक्रेडिटेड हैं। एट लुपिन डायग्नोस्टिक्स वी आर कमिटेड टू मेक श्योर क्वालिटी मूव्स फ्रॉम डे वन एंड दैट इज द रीजन ऑल ऑफ अवर लैब्स, जितनी भी हमारी लैब्स हैं वो 18 महीने के अंदर अंदर एनएबल एक्रेडिटेड होंगे। हमने फ्री होम कलेक्शन सर्विस रखी है जहाँ पे आपको होम कलेक्शन के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, हमारे DMLT ट्रेंड टेक्नीशियन आपके घर पे आएंगे और एज अ ओला और उबर जैसे आप लोगों को ट्रैक करते हैं उस तरह आप उनको भी ट्रैक कर पाएंगे कि वो अभी कहाँ पे हैं, घर में बैठे बैठे टेस्ट होगा। एग्जैक्टली, तो उसके लिए आपको सिर्फ 703-300-400 पर डायल करना है और हमारा फ्लेबोटमिस्ट आपके पास आकर सैंपल पिक करके लेके जाएगा। अभी रिपोर्ट्स के पहले भी कुछ प्रोसेस मैं पहले आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप वेबसाइट पर जाकर उसको ट्रैक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी सैंपल को कि आपका सैंपल कहाँ पहुँचा और किस टेम्परेचर में पहुँचा है, एंड फाइनली आपकी रिपोर्ट जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या SMS के थ्रू आपके लिंक के थ्रू आ जाएंगे और आप वहाँ से फाइनल रिपोर्ट के पहले का भी प्रोसेस हम ट्रैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो अभी तक जो जितने भी कंज्यूमर हैं वो सिर्फ ये देख पाते हैं जब सैंपल पिक होता है और फाइनल रिपोर्ट आती है। एट लुपिन आप ये भी देख पाएंगे कि अभी आपका सैंपल कहाँ पहुँचा और किस टेम्परेचर में पहुँचा, बिकॉज इंडिया के अंदर 70% प्लस एरर्स जितनी भी होती हैं पैथोलॉजी के अंदर वो इन ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के अंदर होती हैं, जिसको हमने ट्राई किया कि हम टेम्परेचर कंट्रोल मूवमेंट के थ्रू मेंटेन करके रख सकें और लोगों को सही रिपोर्टिंग एक्यूरेट रिपोर्ट दे पाएँ, उसको इन सारी चीज़ों बेनिफिट के साथ लुपिन डायग्नोसिस आपके शहर में आया हुआ है। कई बार ऐसा दिखा गया लैब में टेस्ट करते समय, मेरा एक पर्सनल अनुभव भी है कि नॉर्मल इंसान होकर गए, कुछ हुआ गए और वहाँ पता चलता है कि कैंसर है, वहाँ तो चलता है दोनों किडनी फेल है, creatinine 20। इस सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए होता है ना, कई बार अचानक टेस्ट होता है सर, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां निकल आती है, लोग तैयार नहीं रहते, उस सिचुएशन में क्या आप गाइड करते हैं कि हाँ अब आपको आगे क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, तो अगर आप हमारे पूरी रिपोर्ट फॉर्मेट को देखें तो उसमें हमने एक स्मार्ट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको एज पर योर पर्सनल रिपोर्ट आपकी खुद की रीडिंग के हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, पूरे बॉडी पार्ट के साथ कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए आपको किस कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन कौन से फर्दर टेस्ट करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज का कितना ध्यान रखना चाहिए, इन सारे बेनिफिट्स के साथ आपको स्मार्ट रिपोर्ट मिलता है और इसलिए हमने उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि कंज्यूमर उसको खुद ही समझ पाए, उसको ये समझ में नहीं, उसको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिपोर्ट है क्या, वो आप खुद ही रीड करके खुद ही समझ सकते हैं कि वो रिपोर्ट क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनका गाइडेंस लीजिए और फिर आगे के ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। नहीं, जो लोग हैं जो समझ नहीं पाते, जैसा आपने कहा अगर हम किसी अभी लोअर तबके के लोगों को पूछते क्रिएटिनिन क्या होता है वो श्योर शॉट वो नहीं बता पाएंगे और कई बार अनजान भी रह जाते कई बार रिपोर्ट से, तो एक ये कहा जाए कि आपका लैब एक मेडिकल एजुकेशन भी उस लोगों को देगा कि हाँ समझाएगा क्या क्या है। एग्जैक्टली, सो स्मार्ट रिपोर्ट के थ्रू हम यही करने जा रहे हैं जहाँ पे हम बिल्ड करके आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपकी क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या चीज़ें जो अच्छी चल रही लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, ऑर्गन वाइज, और फिर आप उसका ध्यान रखें, उसके लिए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसे वर्जित करें जिससे कि आपको ये पता चले कि भाई ये मेरा अगर मेरा लिपिड बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर आप डॉक्टर से मिलें, उनकी गाइडेंस लें, उनका असिस्टेंस लें और उसको ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। जी, हेल्थ सेक्टर तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है आप समझ सकते हैं, इसमें लेबोरेटरी और आप जैसे संस्थान की क्या भूमिका होती है? लेबोरेटरी अगर आज की डेट में आप इंडिया में देखें 70% डिसीजंस, क्लोज टू 70% डिसीजंस, मेडिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन लेबोरेटरी टेस्टिंग, बिकॉज आज स्टेट में बहुत टफ हो गया, जैसे जैसे कोविड के बाद तो सिचुएशन और भी चेंज हुई है जहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरह से डायग्नोस्टिक्स लैब्स ने ये प्रूफ करना स्टार्ट किया लोगों के साथ, ये हमने सपोर्ट किया पूरे देश को कि कौन कौन से लोग हैं कि जो कोविड पॉजिटिव हैं कौन कौन से नहीं, और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो पाया। ये चीज़ें बहुत पहले भी थी बट कोविड के आने के बाद ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी जहाँ पे हमारा फोकस बिल्ड हुआ और आज भी हमारे डॉक्टर्स जितने भी हैं उनका बहुत बहुत सारा डिसीजंस
डायग्नोसिस लैब के ऊपर होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी भूमिका बनती है कि हम सही एक्यूरेट रिपोर्ट खाना चाहिए। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और फिर आप डॉक्टर से मिलें, उनकी गाइडेंस लें, उनका असिस्टेंस लें और उसको ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। जी, हेल्थ सेक्टर तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है आप समझ सकते हैं, इसमें लेबोरेटरी और आप जैसे संस्थान की क्या भूमिका होती है? लेबोरेटरी अगर आज के डेट में आप इंडिया में देखें, 70% डिसीजंस, क्लोज टू 70% डिसीजंस, मेडिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन लेबोरेटरी टेस्टिंग, बिकॉज आज के डेट में बहुत टफ हो गया। जैसे जैसे कोविड के बाद तो सिचुएशंस और भी चेंज हुई है, जहाँ पे हमने ये देखा कि किस तरह से डायग्नोस्टिक्स लैब्स ने ये प्रूफ करना स्टार्ट किया लोगों के साथ। ये हमने सपोर्ट किया पूरी ऑर्गेनाइज पूरे देश को कि कौन कौन से लोग हैं कि जो कोविड पॉजिटिव हैं, कौन कौन से नहीं, और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट हो पाया। ये चीज़ें बहुत पहले भी थी, बट कोविड के आने के बाद ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, जहाँ पे हमारा फोकस बिल्ड हुआ। और आज भी हमारे डॉक्टर्स जितने भी हैं उनका बहुत बहुत सारा डिसीजंस डायग्नोसिस लैब के ऊपर होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी भूमिका बनती है कि हम सही एक्यूरेट रिपोर्ट हमारे कंज्यूमर्स को दे पाए और अपने पेशेंट्स को दे पाए, जिससे उनका ट्रीटमेंट सही हो पाए। तो आपने साफ तौर पर इनको कहते हुए सुना कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि आज भी कई ऐसे सारे लोग हैं जिनको अगर हम पूछ ले कि लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, तो वो शायद नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे लोगों को एजुकेट करने का भी काम ये करेंगे। और साथ ही जिस तरीके का आपने खुद बात करते हुए सुना कि हर एक प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि आपका ब्लड कहाँ गया, कहाँ पहुँचा, क्या टेम्परेचर में रखा गया है, कब रिपोर्ट आएगा, बहुत अच्छी पहल है। देखना दिलचस्प होगा कि इतने कॉम्पिटिशन में लाल पैथ लैब है, SRL, इन सब के बीच में ये अपना जगह कैसे बना पाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन भारत। मैं शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।